नमस्कार दोस्तों मैं हूं सौरभ शर्मा आप देख रहे हैं न्यूज नेशन दोस्तों कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी अग्निपथ जिसमें विजय विजय ने दीनानाथ चौहान के ने बहुत जी, so आ, सर एक जो रेम्बो किरदार जो है ये आपका हम देख रहे हैं uh. एक फाइटिंग वाला और रेमबो वो थे जिसकी हम फोटोज हमेशा रूम्स में तो लगाते, लगाते थे, थे। लैपटॉप्स में लगाते थे लेकिन आपकी एक फ़ोटो है जो एक और जगह है वो है फीमेल्स के दिल पे भी <laughs> लग गई है तो कैसे देख रहा है आपका ये रैम्बो किरदार एकदम अच्छा लगता है जब प्यार मिलता है लोग से आ, आ, और वेमेन ने मेरा लाइफ में बहुत बड़ा किरदार निभाया और अब भी जब मैं एक्टर बन गया हूँ तब भी वेमेन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरा करियर में और बनाया बॉडी पिक्चर के लिए रिक्वायर्ड था जब मैं कहानी सुना एक फ़ाइटर है तो फाइटर के जैसा दिखना दिखना था एक बीस्ट जैसा बंदा है थोड़ा उस तरफ दिखना था तो आ, काम किया और बनाया बॉडी टाइम लगा आ, पर बनाया और मैं बहुत खुश हूँ सर फिज़िकली के साथ साथ मेंटली कितना चैलेंज होता है बिकॉज ऐसे किरदार निभाना बिकॉज इट्स लाइक स्पोर्टिप अगर हम देखें इस किरदार के लिए uh, टली uh, जो एक जब हम ऐसा बॉडी बनाना चाहते हैं थोड़ा सोशल लाइफ साइड में रखना पड़ता है कि यू हैव टू ट्रेन एट पर्टिकुलर टाइम्स एक चार पाँच घंटे दिन में ट्रेनिंग के लिए जाता था और फिर टाइम पे खाना है और टाइम uh, पे सोना है अगर अच्छी तरह नहीं सोया तो नेक्स्ट डे वर्कआउट के uh, करने के लिए एनर्जी नहीं रहता है और वर्कआउट्स बहुत हार्ड रहता था uh, तो फ्रेंड्स को मिलना बाहर जाना सिर्फ रोबोट की तरह सुबह उठना था वर्कआउट करना था खाना था सोना था और बॉडी बहुत पेन में रहते हैं पर हम ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि स्केड्यूल्स रहता है शूट का और बाय देन आई नीड टू बी रेडी सब मेरे लिए वेट नहीं कर सकते सो दैट वाज़ द मेंटल चैलेंज ऑफ इट और सडनली बीच में जब कोविड आया था तो तब पूरा अनसर्टन हो गया था सिचुएशन की क्या वर्ल्ड कैसा रहेगा इसके बाद कि विल बी गो बैक टू शूट्स विल बी व्हेन विल भी गो बैक टू शूट्स विल थिएटर्स बी ओपन ये कोविड बंद होगा कि नहीं वो बहुत लॉन्ग चल रहा था तो वो एक थोड़ा कन्फ्यूजन था जो मैंटली एंड आई स्टिल हैड टू कीप पुशिंग क्योंकि सडनली अगर शूट शुरू हुआ तो आई नीड टू बी इन शेप सो आई वस्ट कीप वर्किंग आउट एवरी डे एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट तो ये था चैलेंज

और बच्चा बिल्कुल सही सलामत आ जाए कुछ ऐसा हुआ और माइक टाइसन का शूटिंग कर का शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ मम्मी जो माँ है बहुत डरती है जब मैं शूट जाता हूँ और बाहर जा रहा हूँ इंडिया में नहीं था शूट और टाइसन का वीडियोस देखे तो बहुत भयानक है यूट्यूब में जो भी वीडियो देखे वो बहुत भयानक लगता अब वो आदमी चेंज हो गया मेच्योर हो गया काम हो गया पर मम टाइसन का यंग एज में जो नॉकआउट कर रहा है लोगों को वो वीडियोस देख के बहुत डर गया था और मुझे दो तीन बार बोला तो धीरे धीरे मैं गुस्सा करने लगा कि मम बंद करो कुछ नहीं हो, होगा जी सारे कॉलिंग माई टीम मेरा प्रोड्यूसर को कि मेरा बच्चे को देखो कुछ नहीं होना ये फाइट क्यों है क्या है और धीरे पूजा करने लगा पर वो माँ माँ का प्यार है एंड टाइसन के साथ काम करने बहुत आ, बहुत मेमोरेबल रहा मज़ा आया हम अभी तक बैठ के बात करते हैं उस दिन जब उनके साथ शूट किया क्या हुआ था वी रिकलेक्टेड एंड समटाइम्स अनबिलीवेबल लगता है कि टाइसन के साथ हम लोग शूट किया है पर पर इट वॉज एन एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड एंड ब्लेस दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस इट इन माई लाइफ टाइम जी सर जब आप बॉक्सिंग कर रहे थे क्योंकि अभी तक यही डायलॉग है ढाई किलो का हाथ है जिसपे पड़ जाता।, जाता है तो ये ढाई किलो से भारी हुआ है या अभी भी, भी? <laughs> मुझे एक पंच से कोई नहीं गया बहुत बहुत मारने पड़ा थोड़ा रियलिस्टिक फाइट्स है इसमें ये सुपर ह्यूमन नहीं है फिजिकली बहुत एफिशिएंट है पर उस सुपर की तरह फाइट्स नहीं सुपर स्ट्रांग नहीं बीस्ट की तरह है और लड़ना लड़ने में मजा करते हैं झगड़ा करता है शौक है झगड़े के लिए और फाइटर बनना चाहता है लाइफ में पर इंटेंस रहा जो फाइट कोरियोग्राफी है थोड़ा अलग सा कोरियोग्राफी है इस पिक्चर में थोड़ा स्टैंडर्ड बहुत हाई है आ, हम छोटे छोटे शॉट नहीं लेते थे एक आ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता था कोरियोग्राफी ट्रेन करते थे और आ, और व्हेन यू वॉच इट ऑन स्क्रीन यू विल तो रियली एंजॉय द एक्शन सिक्वेंसेस नहीं आपको फाइट करते देखेंगे थोड़ा सा प्यार के लिए प्यार को पाने के लिए फिजिकली फाइट नहीं पर मैं फाइट करवाती हूँ पर इसमें एक्शन नहीं देखेगा हाँ तो किस तरीके का किरदार है, आ, है वही चुलबुली पांडे हमें दिखे वही चुलबुली नहीं अलग है थोड़ा आ, एक सोशल मीडिया स्टार का किरदार निभा रही हूँ और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट <coughs> है बहुत मुफट है ड्रामा क्वीन है फुल ऑन ड्रामेबाज है बेसिकली अच्छा सर आ, मैं जब आपका इंस्टा ट्विटर देख रहा था तो इंस्टा पे सेवनटीन मिलियन की फैमिली है और ट्विटर पर थ्री मिलियन की लेकिन यू फॉलो नन मैंने जब देखा कि चलो देखते हैं विजय किस किस को फॉलो करते हैं वहाँ पे आप किस को फॉलो ही नहीं करते हैं कोई सिक्रे, कोई है जाता है नहीं मेरा अकाउंट तो पब्लिक है तो सीक्रेट कुछ नहीं है उसमें पर मैं मेरा फोन पे नहीं रहता है अकाउंट्स मेरा टीम हैंडल करते है मैं व्हाट्सएप से ऑपरेट करता हूँ सो so, जब मैं नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ जो उन्होंने बेचता है मैं देखता हूँ तो फॉलो करने में आ, कुछ मीनिंग नहीं है जब मैं यूज़ नहीं करता हूँ अकाउंट्स को इसलिए फॉलोअर ज़ीरो है क्योंकि मैं मैं यूज़ नहीं करता हूँ डायरेक्टली मेरा सोशल मीडिया को अनन्या फिल्म के अंदर जब विजय फाइट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी मूवमेंट होते हैं सिटी में जाने का मन करता हूँ लेकिन रियल लाइफ में भी इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिसमें सिटिया तालिया सब इनके लिए बजनी चाहिए पुलवामा जब अटैक है उसके शहीदों के लिए विजय ने बहुत काम किया है कोविड में बहुत काम किया है और एक सीक्रेट मिशन पे भी हैं और वो मिशन है कि ये बहुत लोगों को ना रोजगार देना चाहते हैं तो एक एक बार तालिया हो जाए बिकॉज इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप और तो सर एक सीक्रेट मिशन जिसके लिए आप कर रहे हैं क्यों क्योंकि आप बहुत लोगों को रोजगार क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा काम होता है तो दिस इज अ रियल फाइटर आई मस्ट से मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे यंग एम्प्लॉयड है तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है अगर एक आदमी एक घर में जॉब जॉब uh, मिलता है तो एक फैमिली सेटल हो जाता है धीरे उनका जो बच्चे uh, नेक्स्ट शादी होता है जब बच्चे आते हैं उनको एडुकेशन मिलेगा uh, वो वो और सक्सेसफुल हो जाएगा आई थिंक एम्प्लॉयमेंट और आई फील लाइक लॉट ऑफ Uh, जब भी कुछ एंटी सोशल काम होते हैं या uh, कुछ uh, कुछ भी होता है uh, जो सोसाइटी हमको पसंद नहीं आता है वो यूजुअली एडुकेशन uh, और एम्प्लॉयमेंट uh, नहीं रहने से होता है अगर इफ़ यू क्योंकि बहुत एनर्जी रहता है यूथ में अगर वो सही दिशा में गाइड किए uh, तो विल ऑल बी विल बी इन हैप्पी सोसाइटी तो इस थाट से आया था कि, uh, कि अगर हम कुछ फिल इन कुछ गैप है जो हम फिल कर सके तो करेंगे तो तो वी स्टार्टेड दिस थिंग वेयर जो यंग टैलेंटेड लोग हैं पर सिर्फ थोड़ा ट्रेनिंग की कमी है जिसके वजह से जॉब किसी जॉब में जाओ कुछ रिक्वायरमेंट्स रहता है ये लोग एडुकेटेड थे अच्छे मार्क्स थे पर कुछ ट्रेनिंग कुछ शायद जावा सीखना या कुछ सॉफ्टवेयर सीखना उसके लिए पैसे नहीं थे उनके पास so we just provide we pay for their final courses and then make connect them to interviewers and it's up to them to uh, get a job just wo training wo, wo vacuum jo jo hai wo last mile ka wo hum uh, fix karna chahte the uh, to hum shuru kiya and, and i think so far we've uh, we've got 60 people 60 voice jobs so we are very happy uh, with it for an hour it's very incredible aur bahut acha kaam kar rahe hain aap और अनन्या भी बहुत अच्छा काम करती है 2019 में करते हैं दो मिशन शुरू किया था अनन्या ने भी एक मिशन शुरू किया था सो so पॉजिटिव इनको अवार्ड भी मिल रहा था और वो एक अच्छा कैंपेन था और आपको लगता है कि ऐसे कैंपेन जब आप चलाते हैं या आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं और एक कंटिन्यू होना चाहिए अनन्या थैंक यू नहीं आई थिंक मेरे लिए वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना जरूरी था क्योंकि मुझे लगा कि इनवायरमेंट और सोशल मीडिया पर बहुत टॉक्सिक हो गया था और है भी अभी भी है आ, पर जब लोग बात करते हैं उसके बारे में कॉन्वर्सेशन एट लीस्ट स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोगों की मदद भी होती है उससे आखिरी दो सवाल क्योंकि आ, टाइम अप हो रहा है और बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो वेट कर रहे हैं सर राउडी एक किरदार जो हम आपका देख रहे हैं इसमें एक राउडी किरदार है बचपन में भी मॉम आपको राउडी बोलती जब ऐसा जैसे शरारती होती थी शी ऑल्सो कॉल यू राउडी जब भी कुछ राउडी काम करते थे जब नहीं सुनते थे और कुछ करते थे तब बुलाते थे नहीं तो मेरा मम्मी मुझे चिन्नू बुलाते हैं, चिन्नू बोले थे छोटू ऐसा आ, ऐसा नाम है यूजली चिन्नू बोलते हैं, अगर कुछ ऐसा काम किया हमने जब नहीं सुनते हैं नहीं करो ऐसा पर हम करते हैं कुछ तो राउडी बोलते थे मम्म और पापा ने और थोड़ा राउडी जैसा रहना पड़ा आ, Uh, जो मैं बनना चाहता था वो वो बनने में थोड़ा सोसाइटी uh, जो बोल रहा था उसको नहीं सुनकर करना था जो मैं करना चाहता हूँ uh, तो इसके इस इसके वजह से मैं राउडी बोल के एक ब्रांड शुरू किया कि, कि जो करना चाहते हैं वो करो किसी के बात मत सुनो बिल्कुल अनन्या जाते जाते बिकॉज क्या कहना चाहेंगे बिकॉज बहुत अच्छी फिल्म है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है और माशाल्लाह वो तो एक रैम्बो अवतार लेके आ ही रहे हैं और जिस तरीके से इनको इनकी फीमेल फैंस हैं चाहे बॉलीवुड में हो या बॉलीवुड से बाहर हो एक अच्छे अच्छे नाम से इनको निकनेम में दिया जा रहा है चीज <laughs> तो किस तरीके से आप बिकॉज एक नई फिल्म एक नई फिल्म एक नई फ्रेश जोड़ी के साथ आ रही है क्या कहना चाहेंगे जोड़ी के बारे में Yes, एक फ्रेश जोड़ी जो दिखाई दे रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। I mean, बहुत <coughs> अलग किस्म की जोड़ी है फिल्म में वो टिपिकल लव स्टोरी वाला एंगल नहीं है काफ़ी डिफरेंट है एक थोड़ा टॉम एंड जेरी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है यू नो अनकनवेंशनल रिलेशनशिप है तो आई थिंक लोगों को बहुत मजा आएगा एज अ फिल्म बहुत मसालेदार एंटरटेनिंग फुल ऑन कमर्शियल मास पिक्चर है एंड ना शौक ही सबको पसंद आएगी बिल्कुल सर आपकी भी जो फाइट है वो मैं जो देख रहा हूँ पर्सनली उसमें बहुत मेहनत की गई है किरदार पे और माशाल्लाह जब ये फ़िल्म आएगी पर्दे पे और जब ऑडियंस बाहर जाएगी तो वो एक फ़ाइट सीक्वेंस जो दिमाग में होगा एक रेमबो वाला जो पोस्टर होगा दिमाग में वो लेके आएगी और रिलीज डेट बहुत पास है बटरफ्लाइज स्टमक में होंगी और बहुत सारी नर्वसनेस के साथ साथ बहुत एक्साइटमेंट भी होगा तो हम भी ये उम्मीद करें जब फिल्म रिलीज़ होगी एक सौ दो सौ तो एक बात की बात है लेकिन जो एप्रीशिएशन जो मिलेगा सर वो सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ा प्राइज वही होता है चलिए फ़िलहाल न्यूज़ एशन में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ Thank, Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.